गुड मॉर्निंग, स्टैंडर्ड प्लस टू, सब्जेक्ट इंग्लिश, वेरी इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट एज ए बुक बट फॉर द लाइफ। लेसन नंबर थर्ड, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वो यात्रा जहाँ पर समापन हो जाती है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इन दिस चैप्टर द राइटर तिसानी दोषी, आपको पिक्चर से पता चल जाता है लेखिका है। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ हर विजिट टू अंटार्कटिका, विच इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कंटेनमेंट इन द वर्ल्ड। इस लेख में लेखिका अंटार्कटिका की अपनी यात्रा का वर्णन करती है। अंटार्कटिका आज वर्तमान में संसार में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल और केवल बर्फ ही बर्फ है। चारों तरफ कोई मानव जाति नहीं है, कोई मकान नहीं है। दूर 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 तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है, बिल्कुल शुष्क, बर्फ से ढका हुआ, और एक तूफानी महाद्वीप है। सी वेंट देयर विद ए ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। तिसानी दोषी सपोज करो किसी स्कूल में अध्यापिका है, HOD है, और उस स्कूल के प्लस टू के 52 विद्यार्थियों के साथ वहाँ पर गई। एजुकेशनल टूर होते हैं जैसे स्कूल के जाते हैं बेटे, तो वो भी एक एजुकेशन का पार्ट होता है कि हम संसार को, उस प्रदेश को, उसके बारे में जाने। तो ये जानना था कि 65,000 वर्ष पहले कि ये किसी प्रकार की मानव जाति इस संसार में नहीं थी। यदि हम इतिहास की बात करें तो ये केवल 10-12 हज़ार से मनुष्य इस अंटार्कटिका से, ये लेखिका कहना चाहती है कि एक गोंडवाना पूरा ये अक्षेत्र होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ही बाहर सरकना शुरू किया, अमेरिका, भारत इसमें से निकल कर आए, और ये 12,000 वर्ष पुरानी ही सभ्यता है। तो 52 विद्यार्थियों के साथ गई। दे आल वेंट अंडर द स्टूडेंट ऑन आइस, एक प्रोग्राम जैसे हम किसी भी प्रकार के आपके इवेंट्स होते हैं स्कूल में, इसी प्रकार का था। स्टूडेंट ऑन आइस कि विद्यार्थी बर्फ पर का मतलब विद्यार्थी इस टूर में केवल और केवल जो अंटार्कटिका है जहाँ मानव जाति नहीं है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जितना ये पानी, जितने ये नदियाँ सारी जो पहाड़ों से आ रही, उसका ज्ञान हासिल करें। विच एम्ड एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम इंस्पिरेशन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि संसार का जो एंड कोना है उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बारे में ज्ञान, और एक शैक्षणिक चुनौतियाँ उस विद्यार्थी के लिए जो 52 विद्यार्थी इस दल में गए वो रिसर्च करें। दे वेंट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड द एकेडमिक स्कल्सी, यानी कि वो वहाँ पर, इसका मतलब रशिया की बात है, तो रूस का एक समुद्री जहाज है जिसका नाम एकेडमिक सोकल्सकी था, उस पर वहाँ पर गए। कहते हैं कि लेखिका इसमें पूरी डिटेल बताएगी, पहले हम बस के द्वारा गए, फिर कार के द्वारा गए, हवाई जहाज के द्वारा गए, और अंत में समुद्री जहाज के द्वारा गए। पता नहीं कितनी दूर ये अंटार्कटिका था। द प्रोग्राम वाज हेडेड बाई ए कनेडियन, एक कार्यक्रम का मुख्य जो कनाडा का वासी था, जेफ ग्रीन, ये नाम है एक व्यक्ति का, जेफ ग्रीन। फ्रॉम हर एक्सपीरियंस द राइटर सेज दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका जाने का मतलब इस पृथ्वी भूतकाल में कैसी थी, वर्तमान में कैसी है, और भविष्य में कैसी होगी, यानी कि इस पृथ्वी का भूतकाल कैसा था और वर्तमान जो आँखों के आपके सामने चल रहा है, बहुत ही सोचने वाली बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके बड़े दादाजी होंगे, नाना जी होंगे, आपके पिता होंगे, और आपकी उम्र प्लस टू में हुई, जो परिदृश्य आपके आँखों के सामने है, आज पूरा संसार घर में कैद है, उस पर लेखिका वर्णन कर रही है कि ये जो पृथ्वी का वजूद आया, मानव जाति आई, और पिछले 50-60 सालों से मानव जाति ने जितना प्रकृति को रोदा है, चाहे वो गरीब अमीर सब ने मिलकर इस मानव जाति ने प्रकृति का जितना नुकसान किया है, आज जो जलवायु में परिवर्तन है वो भी यही कारण है कि मनुष्य ने सिर्फ अपना
विकास और उन्नति को देखा, प्रकृति को नहीं देखा। एक किसी ने फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितने जानवरों को, कितने मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएगा, उस के बारे में ध्यान नहीं दिया, केवल फैक्ट्री के बारे में ध्यान दिया और उसी का परिणाम आज आप और हम घर पर बैठकर एक ऐसा वायरस जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसका वजन केवल 2 ग्राम, पूरी दुनिया को डरा दिया। ये प्रकृति का वायरस है, प्रकृति को जितना खिलवाड़ किया। देयर वी विल आल्सो कम टू नो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मिंग दिस अर्थ ओ अवर्थ। क्या कि हमें इस, अब ये संसार जो गर्म होता जा रहा है, अब आप देख रहे हैं कि आप अपने बुजुर्गों को पूछेंगे कि जून का महीना ऐसा थोड़ा ही था, 3 दिन गर्म है, चौथे दिन आपके फिर बरसात आ जाती है। अब पूरा संसार जो पिछले 3 महीनों में यदि अवलोकन करेंगे, कहीं पर समुंदर का तूफान आ रहा है, कहीं पर टिड्डियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, कहीं पर आसमान से जिस प्रकार हमारे आसपास तूफान आ रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कोरोना तो है ही है। कारण क्या है? कारण ये है कि पृथ्वी का जो जलवायु परिवर्तन हुआ, इसके हम दोषी हैं। कहते हार्मिंग दिस अर्थ आवर्स, कि हम लोगों ने ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया, जिसे वी सी देयर रिसाइडिंग ग्लेशियर्स, आज बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो आज से पहले कभी पिघले नहीं थे, उन्होंने पिघलना शुरू कर दिया। एंड कलेप्सिंग आइस सेल्फ, और बर्फ की जो सेल्फ्स हैं वो भी कोलैप्स, ड्राईसाई होते जा रही हैं। एज ए रिजल्ट देयर कैन बी फ्लड्स, और इसका परिणाम क्या निकल रहा है? कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर समुद्र से तूफान आ रहा है, नाम कुछ भी दे दें, कहीं पर भूकंप आ रहा है, ये कारण है। एंड मैनी लो आइसलैंड कैन गो अंडर वाटर, और कवित्री लेखिका ये भी कहती है आने वाले समय में यदि भयंकर बाढ़ आई तो बहुत से इलाके हैं वो पानी के अंदर दब जाएंगे। दस विजिट टू अंटार्कटिका कैन वार्न अस ऑफ द डेंजर्स, इसलिए अंटार्कटिका देखने का तात्पर्य केवल चेतावनी है उस खतरे से, यानी उस खतरे से हम आगाह हो जाएं, कौन सा? अराइजिंग फ्रॉम डेफोस्टेशन, डेफोस्टेशन होता है कि हमें जो पूरे आपके जंगल के जंगल काट दिए गए हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 50-60 साल पहले हमारे आसपास भी ऐसे जंगल थे, जंगल का मतलब खेत खाली पड़े रहते थे, पशु जानवर पक्षी अनेकों अनेक उसमें चरते थे, विचरण करते थे, प्रकृति का नज़ारा अलग होता था। आज 1 इंच भूमि खाली नहीं है और पेड़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है। एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, और जीवा अत्यधिक जो जीवाश्म है उनका जलने का, जलाने का ईंधन का। एंड ओवर पॉपुलेशन, और तीसरी जो गंभीर समस्या बताई है लेखिका ने, कि 1947 में देश में आज़ाद हुआ तो भारत की आबादी कितनी थी, या आज से 60-70 साल पहले इस संसार की आबादी कितनी थी, उससे आज वर्तमान में वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना आबादी बढ़ गई है। और यदि आबादी इसी प्रकार से बढ़ती गई, ये कोरोना वायरस आज नहीं फिर आएगा, यदि प्रकृति का ध्यान नहीं दिया तो और अनेक प्रकार की प्रकृति के तूफान आएंगे। इसलिए आप और हम पर दायित्व है कि प्रकृति को बचाए रखने के लिए अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं, पानी की महत्ता, आप जल योद्धा बने, पानी की एक एक बूंद बचाएं, और जितना प्रकृति को हम बचा सकते हैं उतना ही अपने आप का आगे भविष्य बना सकते हैं, ये पूरे लेसन में बताया गया। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं। थैंक यू।